गाइज Hyundai i20 की लॉन्च डेट रिवील हो चुकी है 5 नवंबर एंड वी ऑल्सो नो दैट कि जो उसका बेस वेरिएंट है दैट इज मैग्ना और सेकेंड वेरिएंट है स्पोर्ट्स वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। खैर ये बात तो हम जानते हैं कि जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है वो ज़्यादा फीचर लोडेड होगा मैग्ना के कंपेरिजन में, पर दोनों ही वैल्यू फॉर मनी है, पर इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा वैल्यू एड करता है, यानी कि मैग्ना और स्पोर्ट्स में से कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, आज की वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे, कंपेयर करेंगे मैग्ना और स्पोर्ट्स को इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड जानेंगे कि हमें क्या क्या अंतर देखने को मिलता है बेसिकली इन बिटवीन द मैग्ना एंड स्पोर्ट्स। मैं आपको एक डिटेल वॉक अराउंड भी दे दूंगा जिससे आपको ये स्पेसिफिकेशन पता पड़ पाए कि एग्जैक्टली आखिर चेंजेस क्या हैं इन बिटवीन द मैग्ना एंड स्पोर्ट्स। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट्स कंपेयर ऑल ऑफ द बोथ वेरियंट्स ऑफ अपकमिंग Hyundai i20। गाइज जैसे ही इसकी वेरियंटेड प्राइसिंग आती है तो मैं फटाफट से सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी द वेरिएंट एंड प्राइसिंग ऑफ ऑल न्यू Hyundai i20 आपको 4 तारीख को देखने को मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड, मैं जल्दी से जल्दी वहां पे लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको उसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग पता पड़ पाए ऑफ अपकमिंग Hyundai i20। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर सकते हैं और जो नए यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब तो दबाएं सही, उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा उसको जरूर से प्रेस करें, वरना क्या है यार नोटिफिकेशन नहीं जाते बेल आइकन दबाएं। Instagram ID है parth.sony75। So without wasting time, let's get started. सो गाइज आइए कंपेयर करते हैं इसके मैग्ना और स्पोर्ट्स वेरिएंट को। शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर चेंजेस और डिजाइन से। अगर यहाँ पे बात करें फ्रंट लुक्स की तो दोनों के ही फ्रंट लुक्स आपस में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। दोनों में यहाँ पे हमें हेलोजन हेडलैम्प्स विथ टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों के हेडलैम्प का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है। बीचों बीच दे रखी है यहाँ पे Hyundai की टिपिकली डिज़ाइन सिग्नेचर ग्रिल जो कि ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में देखने को मिलती है। दोनों में हमें डिज़ाइन चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ सबसे नीचे की तरफ आपको ज़रूर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैग्ना में आपको कोई भी फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ पे फॉग लैम्प हाउसिंग दे रखी है इन द मैग्ना वेरिएंट, पर स्पोर्ट्स वेरिएंट से यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होता है नाइट ड्राइविंग के समय। तो यहाँ पे एक वैल्यू तो एड ऑन हो जाती है अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट परचेस करते हैं। तो अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं दोनों के साइड लुक को। वेल दोनों के साइड लुक भी ऑलमोस्ट आपस में आइडेंटिकल हैं। दोनों में यहाँ पे हमें ORVM इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिफ्लेक्टेबल देखने को मिलते हैं जो कि मेरे ख्याल से प्रीमियम हैचबैक में होना भी चाहिए। यहाँ पे अंतर हमें टर्न इंडिकेटर्स का जरूर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें अगर मैग्ना वेरिएंट अगर आप परचेस करते हैं तो वहां पे आपको टर्न इंडिकेटर्स फेंडर्स में देखने को मिलेंगे, वहीं अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट परचेस करते हैं तो वहां पे आपको टर्न इंडिकेटर्स ORVM में देखने को मिलेंगे। ORVM के लुक में होने से लग जाता है कि ये जो गाड़ी है वो बेस वेरिएंट नहीं है डेफिनेटली, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर फेंडर में होने से कोई भी पहचान लेता है कि ये जो वेरिएंट है दैट इज द बेस वेरिएंट। दूसरा चेंज साइड व्यू में यहाँ पे हमें व्हील्स और व्हील डिजाइन में देखने को मिल जाएगा। खैर दोनों में ही हमें यहाँ पे 15 इंचेस के व्हील्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पर मैग्ना वेरिएंट में आपको यहाँ पे सिंपल स्टील रिम्स देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको व्हील कवर देखने को मिल जाता है। वहीं यहाँ पे स्पोर्ट्स में या फिर स्पोर्ट्स वेरिएंट में 15 इंच का व्हील मिल तो रहा है, पर वहाँ पे आपको स्टाइलस स्टील रिम के ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि ब्लैक कलर का आएगा बेसिकली। ये देखने में एग्जैक्टली अलॉय जैसे ही होते हैं, पर इसको कहते हैं हाइपर स्टील व्हील जिसको अलॉय जैसा बनाया जाता है, पर ये अलॉय बेसिकली होते नहीं हैं। तो ये चेंजेस आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिलेंगे। अगर कंपेयर करें यहाँ पे दोनों के बैक लुक को तो दोनों के ही बैक लुक में यहाँ पे 0 चेंजेस हैं। वेल दोनों के बैक लुक में हमें यहाँ पे स्प्लिट जेड शेड टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं और क्रोम लाइनिंग जो है वो आपको एस्टा ओ में देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको मैग्ना स्पोर्ट्स या फिर एस्टा में किसी भी तरह की क्रोम लाइनिंग देखने को नहीं मिलती है, तो सबके बैक लुक जो है एग्जैक्टली सेम है। हालांकि यहाँ पे इस बार जो है वेरियंट्स की बेजिंग डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो है कंपनी की i20 की बैजिंग देखने को मिलती है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको वेरिएंट्स की बैजिंग देखने को मिलेगी जैसे कि मैग्ना स्पोर्ट्स एस्टा और एस्टा ओ बेसिकली। सो गाइस ये तो थे यहाँ पे एक्सटीरियर चेंजेस की, अब लेट्स हैव अ लुक टू द इंटीरियर व्यू क्योंकि इंटीरियर में आपको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है।
सो गाइज, अगर यहाँ पे बात करें इंटीरियर चेंजेस की, तो दोनों में ही हमें यहाँ पे सिंगल टोन कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है। दैट इज दोनों में यहाँ पे ब्लैक डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की तरफ एसी वेंट्स दे रखे हैं और एसी वेंट्स की लाइनिंग को ऑल द वे डिजाइन करा गया है, एक कह सकते हैं डिजाइन को एड ऑन करने के लिए बेसिकली। तो दोनों में ही हमें डिजाइन चेंजेस तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। अगर बात करें यहाँ पे ड्राइवर साइड में, तो यहाँ पे आपको काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील में। यहाँ पे जो बेस वेरिएंट होगा उसका स्टेयरिंग व्हील एकदम सिंपल होगा, कोई भी आपको डिजाइन एलिमेंट क्रोम या फिर सिल्वर ट्रीटमेंट वर्क देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट परचेस करते हैं, तो वहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है स्टेयरिंग में, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम फील करवाती है। और तो और यहाँ पे आपको मैग्ना और स्टोवर्ट्स दोनों ही वेरियंट में स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे MID और टच स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। बट स्पोर्ट्स में आपको राइट हैंड साइड के कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं, राइट हैंड साइड के कंट्रोल्स हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल को कंट्रोल करने के लिए, और तो और कॉल पिकअप उठाने के लिए और कट करने के लिए बेसिकली। दोनों में ही हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, पर डेफिनेटली फील और फिनिश में स्पोर्ट्स वेरिएंट का जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा हाइलाइटेड होता है। यहाँ पे बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो दोनों में ही यहाँ पे हमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, यानी कि स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर यहाँ पे हमें दोनों में ही एनालॉग देखने को मिलता है। अगर आप ASTA और ASTA O परचेस करते हैं, तो वहां पे आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है, पर फिलहाल मैग्ना और स्पोर्ट्स दोनों में ही एनालॉग क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे सेंट्रल कंसोल में डेफिनेटली चेंजेस हैं। दोनों में सबसे पहले कॉमन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों में हमें मैनुअल एसी के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं राउंडेड नॉब के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ऑटोमेटिक एसी के ऑप्शन खाली आपको ASTA और ASTA O में देखने को मिलेंगे। सो एसी वेंट्स की तो यही कहानी है, पर अगर ऊपर चलें, अगर टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो खैर, मैग्ना में आपको यहाँ पे एक ब्लॉक दे दिया जाता है ऊपर की तरफ हेड ऑन डिस्प्ले पर, छोटा सा डिस्प्ले देते हैं 3 inches का करीब। तो अल्टीमेटली अगर आपको बाहर से लगवाना है, तो आप वहां से बाहर से आप डेफिनेटली लगवा सकते हो, बड़ेगा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है। और अगर बात करें यहाँ पे स्पोर्ट्स वेरिएंट की, तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स वेरिएंट में यहाँ पे आपको 6 inches का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे आपको ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी इन द स्पोर्ट्स वेरिएंट में, और मैग्ना में 6 inch का टच स्क्रीन नहीं है, केवल 3 inch का छोटा सा डिस्प्ले दे रखा है म्यूजिक सिस्टम को और इन्फोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली। यहाँ पे आपको यही चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स और मैग्ना वेरिएंट दोनों में ही आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, हालांकि सीट्स दोनों की काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। पर यहाँ पे एक और चेंजेस ये हैं स्पोर्ट्स और मैग्ना में, हम कह सकते हैं दोनों में ही आपको 2 reading lamps देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप इसके टॉप एंड वेरियंट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 4 reading lamps का ऑप्शन देखने को मिलता है। दोनों में मैं एक और सिमिलरिटी बता देता हूँ कि दोनों ही वेरियंट्स में आपको यहाँ पे सनरूफ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है बेसिकली। एज वी ऑल्सो नो दैट, आप सभी जानते ही होंगे कि सनरूफ ऑप्शन इन दोनों में वेरिएंट में नहीं प्रेजेंट है। अगर यहां पे बात करें पीछे की सीट्स की, तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, पर दोनों में आपको हेडरेस्ट जो है यहां पे एडजस्टेबल देखने को नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, जो आर्मरेस्ट है वो बेस वेरिएंट से ही दे रखा है, तो आर्मरेस्ट आपको स्पोर्ट्स और मैग्ना दोनों में देखने को मिलता है। थर्ड सिमिलरिटी की बात करें इन द बैक सीट्स, तो दोनों में आपको रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे कूलिंग दोनों की ही कमाल और जान शानदार है। सो गाइस, ये तो थे यहाँ पे इंटीरियर चेंजेस इन द मैग्ना एंड स्पोर्ट्स वेरिएंट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आपको वेरिएंट वाइज, यानी कि ट्रांसमिशन वाइज क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। गाइज, अगर आप यहाँ पे मैग्ना परचेस करते हैं, तो उसमें केवल 2 ही इंजन ऑप्शंस और ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ट्रांसमिशन तो केवल एक ही, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे अच्छी बात और बढ़िया बात ये है कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। पेट्रोल में रहेगा यहाँ पे 1.2 liter पेट्रोल इंजन, और डीजल में आपको देखने को मिल जाता है 1.5 liter डीजल इंजन का ऑप्शन। यहाँ पे गाइज, अगर बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट परचेस करते हैं, तो उसमें आपको IVT देखने को मिल जाएगा, IVT डुअल टोन, मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, MT डुअल टोन, और तो और यहाँ पे आपको IMT और IMT डुअल टोन का भी ऑप्शन मिल जाता है। गाइज, अगर आपको IVT नहीं पता है, तो अब मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें। मैंने उसमें बताया है कि IVT, IMT, MT क्या होता है, वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ले रहे हैं, क्योंकि DCT से ज़्यादा IVT बेहतर है। और अगर आप डीजल परचेस करते हैं, तो वहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है 1.5 लीटर और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। सो गाइज, यही है टोटल अंडर, अगर
अंतर अगर आप परचेस करते हैं मैग्ना और स्पोर्ट्स वेरिएंट, कंक्लूड करूं कि कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो गाइज मेरे ख्याल से इसका मैग्ना वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। भले आपको स्पोर्ट्स में कुछ कुछ फीचर्स देखने को मिल रहे हैं पर वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको बाहर से भी लगवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन दोनों में से जो विनर होता है वो होता है मैग्ना वेरिएंट। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन इन बिटवीन द मैग्ना एंड स्पोर्ट्स वेरिएंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। जो नए यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब के बाद जो मैं बेल आइकन जरूर दबाएं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।